बात है 1946 की। लखनऊ की बारादरी में दो दिवसीय एक संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें केएल सहगल को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। सहगल की तबीयत उन दिनों ठीक नहीं रहती थी, इसलिए पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन आयोजकों की बहुत गुजारिश के बाद वो समारोह में आने को तैयार हो गए। जब लखनऊ पहुंचे वो, तो तबीयत और बिगड़ गई। इस वजह से सहगल ने गुजारिश करी कि आज रहने दो, तबीयत ठीक नहीं है, कल मन भरकर गाएंगे, लोगों का मनोरंजन करेंगे। पर आयोजकों की जिद के आगे मजबूर हो सहगल थोड़ा सा गाना गाने के लिए राजी हो गए। मंच पर आए और शास्त्रीय गायन आरंभ किया, लेकिन दर्शक फिल्मी गानों की फरमाइश करने लगे। फरमाइश के सुर आवाज स्ट्रांग होती चली गई और फाइनली सहगल के फिल्मी गाना ना गाने पर दर्शक हूटिंग करने लगे। सहगल को दर्शकों की हरकत बहुत बुरी लगी। बीमार होने के बावजूद वो गुस्से से कांपते हुए मंच से उतरकर बाहर चले गए। उस समारोह में इत्तेफाक से सादत हसन मंटो भी मौजूद थे। उन्होंने सहगल को इस तरह जब बाहर जाते देखा तो पीछे पीछे भागकर सहगल के पास पहुंचे। सहगल ने मंटो से कहा, नाराजगी में, ये संगीत सम्मेलन है या भांडों का तमाशा? बहरहाल मंटो सहगल को साथ लेकर तांगे पर बैठ वहां से निकल गए। दूर निकल जाने के बाद धीरे धीरे सहगल का गुस्सा ठंडा हो गया और वो कहने लगे, मैंने बुरा किया जो वहां से चला आया, आखिर उन बेचारों की क्या गलती थी? नहीं नहीं मंटो, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। मंटो ने समझाने की बहुत कोशिश की कि आप भूलो सब यार, लेकिन सहगल वापस लौटने की जिद कर बैठे, जिद पकड़ ली। और जब वापस समारोह स्थल पर पहुंचे तो देखा समारोह खत्म हो चुका है और पता चला कि सहगल के जाने के बाद वहां मौजूद भीड़ अचानक ही इतनी अग्रेसिव हो उठी कि संयोजकों को समारोह कैंसिल करना पड़ा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।